Hi friends, my name is Rajveer and in this video I am going to talk about a laptop which one of my YouTuber friends has recently purchased. जी हाँ, मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड हैं जिन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है. Although he does have few other channel, but this channel he has recently started. और उस चैनल के लिए उसने एक नया लैपटॉप खरीदा है. एंड दिस चैनल इज टोटली बेस्ड ऑन द गेमिंग चैनल. इट्स टोटली अ गेमिंग चैनल. सो दैट इज व्हाई ही हैज परचेज अ गेमिंग लैपटॉप एंड विच इज ऑफ आसुस ब्रांड. एंड लेट मी टेल यू दैट द ब्रांड नेम एज वेल एज द कंप्लीट मॉडल नंबर विच इज आसुस रॉग स्ट्रिक्स जी एंड द मॉडल नंबर इज G531GT. सो माई दिस फ्रेंड हैज़ परचेज दिस लैपटॉप आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. काफ़ी रिसर्च किया उसने एंड देन ही एंडेड अप परचेजिंग दिस लैपटॉप. सो लेट मी शो यू द लैपटॉप. दिस इज द बॉक्स ऑफ लैपटॉप विच ही हैज रिसीव्ड एंड लेट मी शो यू द अदर साइड ऑफ दिस बैग एज वेल. दिस सो दिस इज द लैपटॉप विच ही हैज परचेज एंड लेट मी कीप इट अ साइड. ओके, सो he ended up purchasing this laptop after doing a lot of research that I have already told you earlier. But let me tell you one thing, that prior to this laptop he purchased another laptop of some another brand having the same configuration. And really, like, it's to my surprise that, like, same configuration, like, despite having the same configuration, that laptop was not able to play certain games having high graphics which this laptop is able to play with very ease. So दिस लैपटॉप, लाइक, जो मेरे फ्रेंड ने एक लैपटॉप इससे पहले जो लिया था वो किसी और ब्रांड का था, बट कॉन्फ्रिगेशन ऑलमोस्ट सेम था. एंड इट वॉज नॉट ऑलमोस्ट, इट वॉज द सेम कॉन्फ्रिगेशन, सेम प्रोसेसर, सेम रैम, सब कुछ सेम था. स्टिल दैट लैपटॉप वॉज नॉट एबल टू प्ले सर्टन गेम्स विच दिस लैपटॉप इज एबल टू प्ले. सो ये ऐसा नहीं है कि, लाइक, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो कि आज ही बॉक्स आया मेरे पास एंड I'm going to unbox this thing and I'm going to reveal this laptop to you. नहीं, ऐसा नहीं है. ये laptop, it is tried and tested and this friend who I'm talking about has been playing the games on this laptop for over a month. So it's obviously it's tried and tested and he hasn't found any difficulty or any problem playing game with this laptop. काफ़ी smoothly इस पर game run होता है और काफ़ी heavy graphics जो triple ये जो गेम होते हैं, कैटेगरी के गेम होते हैं, वो इस पर आसानी से प्ले हो रहे हैं. और ऑनेस्टली, लाइक, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लाइक, उसने एक और लैपटॉप लिया था एंड टू माई सरप्राइज दैट लैपटॉप हैड द सेम कॉन्फ़िगरेशन विच दिस लैपटॉप हैज. मगर वो लैपटॉप में कुछ गेम नहीं चल रहे थे जो कि इस लैपटॉप पे चल रहे हैं. तो ऑब्वियसली दिस लैपटॉप इज फार बेटर देन एनी अदर लैपटॉप हैविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन. आई एम श्योर कि, लाइक, इफ देर आर फोर लैपटॉप्स हैविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन विच दिस लैपटॉप हैज, okay, so which this laptop has, I'm sure that this laptop is going to win over the rest of the laptop. So agar aapko char laptop ka soch rahe hain and un charon ka configuration almost same hai, I'm sure that you are going to enjoy this laptop and this laptop is very smooth aur kafi acha function hai, isse kafi acha gaming experience hai. Agar aap lena chahte hain to is laptop ko aap le sakte hain. इस वीडियो में अगर आपको कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो इसके ग्राफिक्स कैसा है, जो भी है, अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एज आई टोल्ड यू डैट माय फ्रेंड हैज स्टार्टेड हिज ओन गेमिंग चैनल. आप उसके गेमिंग चैनल पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं ग्राफिक्स कैसा है और उस गेमिंग चैनल का नाम है आओ खेलते हैं. और वहाँ पर जा कर के आप उसके काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं उसने एंड ही हैज़ बिन यूजिंग दिस लैपटॉप फॉर अबाउट अ मंथ. तो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में आपको कुछ गलत बता रहा हूँ या ये लैपटॉप मैंने आज ही खरीदा है एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियो. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज सो दैट यू गाइस कैन कम टू नो कि अगर आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं, स्पेशली गेमिंग लैपटॉप, एंड इफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर दोज हु आर अबाउट टू स्टार्ट हिज और हर ओन गेमिंग चैनल. अगर आप कुछ गेमिंग चैनल आप बनाने वाले हैं तो आई एम श्योर दैट दिस इज द लैपटॉप विच यू कैन कंसिडर बाइंग. तो आप ये लैपटॉप लेने की सोच सकते हैं एंड आई एम श्योर दैट लेने की सोचने वाली बात नहीं, आप ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको. दूसरी बात, अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप एक गेमिंग के लिए ही लें, गेमिंग चैनल के लिए ही लें. अगर आप एक गेमिंग के शौकीन हैं, अगर आपको सिस्टम पे गेम खेलना काफ़ी अच्छा लगता है तो आप तब भी आप एक लैपटॉप ले सकते हैं. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपको एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट. एंड दिस विल कॉस्ट यू अबाउट 70,000 रुपीज़, बट आई एम श्योर दैट
the experience or the enjoyment which you are going to get after purchasing this laptop will be worth more than 70,000 rupees. जी हाँ, 70,000 rupees अगर आप खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कल को लगेगा कि नहीं यार पैसे बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है. You are going to enjoy this laptop and it is something which is worth more than 70,000 rupees. So again, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, graphics check करने हैं, game कैसे play करते हैं, heavy game, जो Call of Duty और जो GTA game होते हैं, see, I'm not fond of that much gaming, मगर हाँ, इस लैपटॉप के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी आपको उस गेमिंग चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा. आप आओ खेलते हैं, गेमिंग चैनल को आप देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके उसके सारे वीडियो चेक करें. ओनली देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि यार ये गेमिंग ये लैपटॉप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है. तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको. आप होपफुली आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगेगा अगर आप गेमर हैं, बिकॉज He has got such a skills of playing games, like उसके काफ़ी अच्छे skills हैं, काफ़ी सीखने को मिलेगा. तो आप उसके एक बार चैनल को consider करें, देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको इन फ्यूचर whenever he uploads some next video, you will get a notification. So मैंने आपको बता दिया है कि लैपटॉप का मॉडल नंबर क्या है, जो कि आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं, या नहीं तो आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. मैं अगेन लेट मी शो यू द बॉक्स. So this is of Asus brand and the model number is Z531GT, जो कि आप consider कर सकते हैं, जिसका पूरा description आपको मैं अपने description box में दे दूंगा मैं, plus Flipkart के जो purchasing link है वो भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा मैं, जहाँ से जा करके आप purchase कर सकते हैं. So let's start with the unboxing part, although it has already been unboxed. So I have again placed laptop back inside this box, जो कि मैं आपको दोबारा reveal करके दोबारा दिखाऊंगा मैं. So let us start with this part of, or maybe I'll say the second part of this video, जिसमें कि मैं इस video को इस box को unbox करूंगा मैं, and I am going to unveil this laptop to you guys. काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है. इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. सो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं. सो फ्रेंड, दिस इज़ द बॉक्स जो कि लैपटॉप के साथ आता है. यहाँ पे आप ब्रांडिंग चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रॉक का ब्रांडिंग यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे एक कैरी करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रैप्स है, और ये बॉक्स काफ़ी अच्छा है. आपको एक मिनी सूटकेस का एक फील देने वाला है ये. और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में बॉक्स के यहाँ पे एंड पे आपको एक ब्रांडिंग दिख रहा है रॉक स्ट्रिक्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे भी आपको ब्रांडिंग दिख रहा है. सो पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, एंड आई गिव 10 out of 10 फॉर पैकेजिंग पार्ट. काफ़ी अच्छी तरह से इसे पैक करके दिया गया है. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, देन प्लस एक इंटर इनसाइड का यहाँ लोगो है, देन ऐसा कुछ उसके अलावा ऐसा कुछ बॉक्स पे कुछ अलग नहीं है. यहाँ पे साइड में आप चेक कर सकते हैं, मॉडल नंबर विद स्कैनर बार कोड दिया गया है. मेरा मॉडल नंबर स्कैनर बार कोड दिया गया यहाँ पे. तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं इस बॉक्स के अंदर कैसे लैपटॉप को रखा गया है और क्या है इसके अंदर. सो ये रहा बॉक्स. लैपटॉप को एक पॉली बैग में रखा गया है, एक स्मॉल सा पॉलीथीन रैप है जिसमें रैप किया गया है. अगर हम लैपटॉप को निकालते हैं, तो लैपटॉप निकाला हमने यहाँ से, और यह लैपटॉप, इस लैपटॉप को हम फिलहाल हम साइड रखते हैं. फिलहाल देखते हैं कि इस बॉक्स में और क्या क्या हमें मिल रहा है. तो बॉक्स में हम चेक कर सकते हैं, बॉक्स में यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक पैकेजिंग दिया गया हुआ है. इसके ऊपर आप लैपटॉप रखा गया हुआ है, साथ ही साथ नीचे 3 कंटेनर हैं यहाँ पे, जो कि हम चेक करते हैं. पहले मिडिल वाले को खोलते हैं. इसमें आप चेक कर सकते हैं, कुछ मैनुअल्स मिले हुए हैं, जो कि डॉक्यूमेंट है विच यू कैन गो थ्रू बिफोर यूजिंग योर लैपटॉप. इसमें सारे फीचर्स हैं, एंड ऑल्सो हाउ टू यूज़ योर लैपटॉप. कुछ ट्रबल शूटिंग इसमें दिए हुए हैं, इनकेस अगर इनकेस यू गेट एनी प्रॉब्लम, आप इसे पढ़ करके आप उस दैट लाइक यू कैन फिक्स दैट ट्रबल शूट. इस वाले पार्ट में भी कुछ इसके बारे में बताया गया, आप इसे पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही आप लैपटॉप का यूज़ करें. एंड इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट बिफोर यूजिंग एनी प्रोडक्ट, बिकॉज डॉक्यूमेंट कैन रिवील लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच यू माइट नेवर नो, और बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है. तो बेटर है कि यू शुड गो थ्रू दिस मैनुअल. सो आई एम कीपिंग इट असाइड. इसके साथ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक कुछ बोल्ट्स आए हुए हैं और एक
प्लग टाइप का है, एक जैक है विच कुड बी यूज्ड फॉर, जो कि अगर आप कुछ एक्सटर्नल, अगर आप कुछ डिवाइस या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर कनेक्ट करना चाहते हैं सो दैट कैन बी यूज देन, और यहाँ पे बोल्ट भी दिए गए हैं, तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर है यहाँ पे, प्लस बोल्ट है जो कि आप एक्सटर्नल अगर हार्ड ड्राइव अगर यूज करते हैं, विच आई डोंट थिंक सो दैट यू आर एवर गोइंग टू नीड और एवर गोइंग टू फील द नीड ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, बिकॉज इसके साथ साथ बिकॉज इस लैपटॉप के साथ ऑलरेडी SSD 1 TB का आता है विच इज मोर देन एनफ, इन केस अगर फ्यूचर में आपको अगर रिक्वायरमेंट होता है तो यू कैन गो विद सम अनदर हार्ड ड्राइव जिसका कनेक्टर यहाँ पे है और बोल्ट है, आप यहां से यूज कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को हम बंद करते हैं, लेट्स अब अनबॉक्स दिस वन। सो यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि चार्जर आया साथ में, चार्जर में भी आपको आसूस की ब्रांडिंग दिखती है, यहाँ पे ब्रांडिंग आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 100 टू 40 वोल्ट और 50 टू 60 हज़ार सब कुछ लिखा हुआ है, जो प्रॉब्लम एक देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक लोगो दिखता है जो आप चेक कर सकते हैं, लोगो दिख रहा है यहाँ पर जो कि आसूस रोग ब्रांड जो है गेमिंग लैपटॉप का जो ब्रांड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दिख रहे हैं लैपटॉप के, और काफ़ी अच्छा है कनेक्टर है लैपटॉप पे, अच्छा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें दो पार्ट हैं, ये पार्ट इसके अंदर जाएगा, आप अगर कभी भी लैपटॉप अगर आप चार्ज करना चाहते हैं यहाँ पे कनेक्ट करके आप लैपटॉप यूज़ करें। तो ये रहा बॉक्स के अंदर कंटेनर में क्या क्या है जो कि मैंने आपको बताया मैंने आपको, और तो चलिए इस बॉक्स को भी हम साइड रखते हैं। अगेन बॉक्स पैकिंग काफ़ी अच्छा है, इट हैज़ बिन पैक्ड वेरी नाइसली, एंड आसूस लाइक एज आई हैड टोल्ड यू दैट आई वुड गिव 10 out of 10 फॉर पैकेजिंग पार्ट, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इसको मैं अभी साइड रखता हूँ मैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन बीस्ट दैट वी हैव विच इज़ लैपटॉप। सो लैपटॉप के बारे में बात करते हैं, हम साइड रखते हैं। सो हियर इज़ आवर लैपटॉप। तो लैपटॉप कुछ इस तरह एक पेपर पॉलिथीन है जिसमें रैप करके दिया गया है, तो इस पॉलिथीन को हम हटाते हैं, और इस पॉलिथीन का कोई यूज़ नहीं है वैसे, बट अगेन आई रैप्ड इट अप जस्ट टू शो यू गाइस कि ये एक्चुअली कैसे आता है पैकेजिंग में। तो इस मैंने इस पॉलिथीन को अलग रख दिया है, देन इसे हम ओपन करते हैं, और ये एक थिन पेपर टाइप का कुछ है जो कि दैट हैज़ बिन प्लेस बिटवीन कीबोर्ड एंड द मेन स्क्रीन, मे बी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग स्क्रैच एनीथिंग ऑन दिस स्क्रीन, हो सकता है स्क्रैच से प्रिवेंट करने के लिए रखा गया हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ मिलता है, एक पोली बैग इन एक कुछ कपड़े टाइप के स्टफ़ है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट साइड। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एक इंटेल कोर i5 9th जनरेशन का ब्रांड आपको एक दिख रहा है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पे NVIDIA GeForce GTX का भी ब्रांडिंग आपको यहाँ दिखता है। साथ ही साथ अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ मैं, तो देर इज़ एनफ स्पेस बिटवीन ऑल द कीबोर्ड, अगर आप अगर टाइपिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आई एम श्योर डैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच कन्वीनियंट, बिकॉज एवरी कीबोर्ड हैज़ एनफ स्पेस इन बिटवीन, और आपके फिंगर काफ़ी स्मूथली चलने वाले हैं इसके ऊपर, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप स्पीकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर है साइड में, देन आप यहाँ पर माउस पैड चेक कर सकते हैं राइट क्लिक एंड द लेफ्ट क्लिक के लिए, प्लस कुछ इस पे स्पेशल की फीचर मिले हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख सकता है वाइट में है WASD विच लाइक हैज़ बिन स्पेशली डिज़ाइंड फॉर गेमिंग पर्पज़। सो कुछ कीबोर्ड इसमें कुछ कीज़ हैं जो कि स्पेशली डेट हैज़ बिन डिज़ाइंड और डेवलप्ड कीपिंग इन गेमिंग पर्पज़, लाइक अगर गेमिंग के लिए रखा गया है, गेमिंग के लिए बनाया गया है इसे। यहाँ पे विंडो को आप बटन देख सकते हैं आप, और हाँ इसमें आपको कूलिंग का एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम दिया गया है जो कि विच आई हैवंट सीन इन एनी लैपटॉप। यहाँ पे आपको एक टर्बो एक फ़ैन का एक आइकन दिखेगा, इस पर 3 ऑप्शन हैं, आप इस फैन पे क्लिक करेंगे तो इट विल गो ऑन एक्टिव मोड, देन इट विल गो ऑन जनरल मोड, देन इट विल गो ऑन हार्ड मोड, लाइक अगर आपका अगर लैपटॉप गर्म हो रहा है तो इसे आप क्लिक करके इसे कूल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी साइड में एक ब्रांडिंग दिखती है, यहाँ पे स्टेरिया यहाँ पे एक ब्रांडिंग दिख रही है, तो इसे मैं यहाँ से बंद करता हूँ मैं। यहाँ पे जैसा ब्रांडिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे वेंटिलेटर है, काफ़ी अच्छा वेंटिलेटर दिया गया हुआ है, और साइड पैनल की बात करें तो नीचे काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है, यहाँ पे आपको सारे होलोग्राम और स्टिकर दिखेंगे। काफ़ी अच्छा है इंटरफेस, काफ़ी अच्छा मटेरियल से बनाया हुआ है, एक कोई चीप लुक नहीं देने वाला है, इट इज़ गोइंग टू गिव अ लुक ऑफ वेरी हाई क्लास लैपटॉप।
ये काफ़ी अच्छा लगेगा। साइड पैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं जो कि आप एक्सटर्नल कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ तो मैं इट इज़ पावर्ड बाई NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDRS और इसके अंदर 4GB ऑफ VRM RAM है एंड विच गिव्स अ वेरी इन्हेंस ग्राफिक्स। तो और इट इज़ बिल्ट ऑन 9th जनरेशन इंटेल कोर i5 और जो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और इट इज़ वन ऑफ द एडवांस प्रोसेसर दैट वी हैव, जो कि गेमिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय एवरीवन। अगर आप एक गेमर हैं तो ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा आपको सूट करेगा, गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा ये। प्लस अगर इसकी रैम टाइप की बात करें तो रैम इसका DDR4 रैम है और दैट कैन बी एक्सपेंडेड अप टू 32GB। जी हाँ, रैम इसका 32GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। देर आर टू स्लॉट्स फॉर रैम, जो कि आप दोनों स्लॉट मिला करके 32GB तक आप इसमें रैम आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, इट विल कम विद द जेन्युइन विंडोज 10 वर्जन। जी हाँ, आपको एडिशनली कुछ भी आपको विंडो डलवाने की जरूरत नहीं है, यू आर गेटिंग दिस लैपटॉप अलॉन्ग विद विंडो जेन्युइन 10 वर्जन। इसका अगर मैं वेट की बात करूँ मैं तो ये आई वुड नॉट से इट्स अ नीदर टू लाइट नॉट टू हेवी, इट विल वेग अराउंड 2.4 kg एंड इट कम्स विथ 1 year ऑफ ऑन साइट वारंटी। जी हाँ, तो 1 साल की वारंटी के साथ ही आता है, तो इन फ्यूचर अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो काफ़ी अच्छा है अगर आप लेते हैं, 1 साल की वारंटी मिलती है आपको, 1 साल के अंदर अंदर आप इसे, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे चेक करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इसकी अगर रैम की बात करूँ मैं तो इसके अंदर 8GB इनबिल्ट रैम है जो कि 266 MHz रैम पे परफॉर्म करता है, विच गिव्स सीमलेस गेमिंग परफॉर्मेंस। तो काफ़ी अच्छा रैम है, काफ़ी 8GB रैम इज क्वाइट मोर देन एनफ टू प्ले एनी गेम। और अगर जो रैम और जो ग्राफिक्स कार्ड मैंने आपको बताया है जो कि 4GB ऑफ VRM ग्राफिक्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं, दैट इज क्वाइट गुड फॉर प्लेइंग हेवी गेम सच एज जो AAA वर्जन के जो गेम होते हैं, लाइक जो GTA और जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम होते हैं, आप इस लैपटॉप पे काफ़ी स्मूथली प्ले कर सकते हैं। और इसके बारे में बात करूँ तो लैपटॉप कम्स विथ वेल वेंटिलेटेड एक्सटीरियर विथ सेल्फ क्लीनिंग डिज़ाइन दैट कीप्स डस्ट अवे। जी हाँ, इसके काफ़ी अच्छे वेंटिलेटर हैं, प्लस इसके अंदर एक खुद का फीचर है कि जिसमें कि ये खुद को अपने आप से इंटरनली क्लीन कर सकता है। अगर कुछ डस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है इनसाइड में तो इट हैज़ इट्स ओन फीचर टू क्लीन, कोई डस्ट अगर इनसाइड में है तो अपने आप ही क्लीन कर देगा ये। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके वाइड स्क्रीन की स्क्रीन की बात करें तो इट कम्स विद 15.6 फुल SD डिस्प्ले दैट ऑफर्स 60Hz रिफ्रेश रेट विच डिलीवर्स सीमलेस ग्राफिक्स। जी हाँ, अगर इसकी मैं स्क्रीन की बात करूँ तो इट इज़ ऑफ 15.6 inch विच इज़ फुल SD और इसका जो रिफ्रेश रेट है 60Hz है, जो कि काफ़ी अच्छा एक ग्राफिक्स, काफ़ी अच्छा एक इमेज क्वालिटी देता है, जो कि इस लैपटॉप को बाकी किसी लैपटॉप से अलग रखता है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। प्लस इसकी अगर मैं एक की बात करूं, कीबोर्ड की बात करूं मैं, इट कम्स विद 1 zone RGB लाइटनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ कीबोर्ड दैट ऑफर इजी नेविगेशन इवन व्हेन रूम लाइट इज ऑफ। जी हां, इसके कीबोर्ड में लाइटनिंग होती है, जो लाइटनिंग आप खुद से चेंज कर सकते हैं। जी हां, चेंज कर सकते हैं लाइटनिंग, कलर चेंज कर सकते हैं, यहां पे लाइटनिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग आपको यहां पे दिखेगा। प्लस इसके माउस में भी आप लाइटनिंग कुछ चेंज कर सकते हैं, अगर माउस अगर आप लाइटनिंग इफेक्ट वाला है आपके पास तो यहां पर आप लाइटनिंग चेंज कर सकते हैं। That I'll show you later on कि आप lighting कैसे change कर सकते हैं। Plus, it has good smart amp technology of जो कि like एक produce distortion free sound with powerful bass and high dynamic, जो इसका sound quality है काफी अच्छा है। और it comes with 3 type A USB Gen 1 port जो कि देख सकते हैं आप, और एक HDMI port है जो कि 2.1B port जो जिसे हम कहते हैं। अगर इस पर आप गेम खेलते हैं, अगर 1080p पे खेलते हैं तो डैट विल गिव यू 50 FPS जो आपको दिया जाएगा और काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है इसके साथ आपका। और ये तो रही इस गेम, इस कंप्यूटर की, इस लैपटॉप की फीचर्स की बात में। अब मैं इस लैपटॉप को ऑन करके इसके इंटरनल कुछ फीचर दिखाऊंगा मैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए इस लैपटॉप को ऑन करते हैं, चेक करते हैं इसका इंटरनल फीचर क्या है इसके।
तो अब मैं इस लैपटॉप को स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस लैपटॉप यू हैव टू प्रेस दिस बॉटम जो कि राइट हैंड साइड कॉर्नर में टॉप साइड कॉर्नर पे आपको दिखेगा। इस पर आप प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद यू कैन सी द कलरिंग इफेक्ट विच इज़, और ऑल्सो आप स्क्रीन चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे लोगों के साथ आप स्टार्ट हो रही है और साथ ही साथ आप कीबोर्ड पे यू नो हाउ इट इज चेंजिंग इट्स कलर, सो विच लाइक विच माइट नॉट बी क्वाइट विजुअल टू यू बिकॉज ऑफ रूम लाइटनिंग। अगर आप रूम डार्क है तो यू कैन एक्सपीरियंस द कलरिंग सिस्टम ऑफ दिस कीबोर्ड। अगेन यू कैन सी लाइक इट इज चेंजिंग फ्रॉम यू नो द ब्लू रेडिश टू ब्लूइश, सो जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। दिस इज वॉट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस लैपटॉप जो कि यू ना इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स कलर। और लेट मी टेल यू डैट कलरिंग पार्ट जो ऐसा सिस्टम है कि विच कैन बी कंट्रोल फुली बाई यू। देर इज ऑप्शन इन साइड दिस लैपटॉप, वहां से जाकर के आप कलरिंग सिस्टम आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए, यू वट एवर कलर यू वॉन्ट देयर टू बी इन द कीबोर्ड पार्ट, आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है साइड में, जो कि काफी अच्छा एक कूल लुक देता है। एज यू कैन सी इट इज टर्निंग फ्रॉम रेड टू ब्लू, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेटिंग, और आप जो सेटिंग चेंज करते हैं उस हिसाब से आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। ग्राफिक्स अगर आप इसे बैठ के प्ले करते हैं, अगर आप मार्केट में प्ले करते हैं, किसी मॉल में ले जाते हैं, तो आई एम श्योर डैट पीपल विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव इट्स अ सेकेंड लुक कि यार क्या है इस लैपटॉप में। काफ़ी अच्छा लगता है, इट कम्स विद लोगो ब्रांडिंग, और यहाँ पे भी आप लोगो चेक कर सकते हैं। तो आइए अब अंदर देखते हैं कुछ इसके अंदर के स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा मैं, जहाँ से आप लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। कुछ अलग चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ मैं, तो आप देखिए इसके आगे। मैं अभी लॉगिन करके आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि आप इसके लाइटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग फीचर्स भी बताऊंगा मैं। तो चलिए इसे लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। नाउ यू कैन सी कि लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है, और एट द सेम टाइम कीबोर्ड इज चेंजिंग इट्स कलर, जो कि आपको शायद से रूम लाइट के कारण ना दिख रहा हो, बट इट इज चेंजिंग इट्स कलर। इट इज चेंजिंग इट्स कलर फ्रॉम रेड टू लिटिल ब्लूइश, जो आप चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे। और इस लैपटॉप में यहाँ पे आप सबसे ऊपर टॉप साइड में आपको चार बटन दिखते हैं। आप पर एक वॉल्यूम का है, वॉल्यूम कंट्रोल का, जो ये पहला बटन, सेकंड बटन वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम अप करने के लिए हैं। दिस बटन कुड बी यूज टू म्यूट। और ये आपका एक टर्बो फैन के लिए यूज़ किया गया, जो वेंटिलेशन के लिए यूज़ होता है। इस पर आप क्लिक करते हैं, वन प्रेस करते हैं, तो इट विल गो ऑन साइलेंट मोड। मतलब कि आपका एज यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन, लाइक पॉप अप इज अपेयरिंग व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन इट। इट सेज साइलेंट हेयर, इट मीन्स दैट कि वेंटिलेशन, जो वेंटिलेटर इसका प्रॉपरली काम करेगा, मगर दैट विल बी ऑन साइलेंट मोड। अगर इफ यू प्रेस इट अगेन, इट विल कम इन परफॉर्मेंस मोड, मतलब कि इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। एंड इफ यू क्लिक थर्ड टाइम, लाइक एक टर्बो मोड आता है दैट जो कि अगर आपका लैपटॉप काफ़ी हीट होता है तभी यूज में होता है, और लैपटॉप अपने आप ही स्टार्ट करता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट इज अ लैपटॉप इनबिल्ट फीचर। व्हेनेवर लैपटॉप गेट्स हीट, ये अपने आप स्टार्ट होता है, जो टर्बो फीचर होता है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप में आप अगर लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हो, तो दिस पीसी पे क्लिक करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिस पीसी है, लेट मी एडजस्ट कैमरा एंगल। ओके, तो यहाँ पे दिस पीसी है, इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जाकर के आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, आपको सारे फीचर्स आपको इस लैपटॉप के दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि इंस्टॉल्ड मेमोरी इसकी 8 GB है, और इट रन्स ऑन 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका प्रोसेसर है इंटेल आर कोर i5 जो 5th जनरेशन है, जो कि यहाँ पे इस लैपटॉप में सारी जानकारी दिखती है यहाँ पर। उसके अलावा एक देर इज वन स्पेशल फीचर विच मेक्स दिस लैपटॉप डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर लैपटॉप, जो कि इसका फीचर है रॉक बटन, जो इसका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे सबसे राइट हैंड साइड का जो बटन है ऊपर में, उसको आप प्रेस कीजिए एक बार, इट विल ओपन एन अनदर इंटरफेस, जो कि आप ओपन हो रहा है, आप चेक कर पा रहे स्क्रीन पे। सो लेट इट ओपन, ये जी ये ओपन हो चुका है। इट विल गिव यू द बेसिक डिटेल ऑफ ऑल ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम विच इज रनिंग राइट नाउ। इसमें आपको सारे दिखेगा कि भाई आपके लैपटॉप का भी परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, यूजेस क्या है, टेम्परेचर क्या है, वोल्टेज क्या है, सब कुछ यहाँ से A to Z इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस स्क्रीन। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, जो कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इट विल ऑल्सो शो यू द स्टोरेज
यहाँ पे स्टोरेज आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सीपीयू फैन स्पीड सब कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और द वन स्पेशल फीचर अबाउट दिस स्क्रीन इज दैट इफ यू गो हेयर ऑन द कीबोर्ड आइकन विच इज ऑन हेयर लाइक ऑन डिवाइस पे आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट विल टेक यू टू अनदर स्क्रीन। सो इट इज टेकिंग टाइम, यू हैव टू क्लिक ऑन सिस्टम हेयर। Okay, now here we are in another screen which says memory, GPU, power saving, lightning, firmware update and the resources monitor. अगर इसमें आप lightning वाले tab में जाते हैं तो from here you can control everything for the lightning part of this laptop. जी हाँ, काफी अच्छा है। आप इस पे breathing पे क्लिक करिए which will allow the lightning to pop up, reappear and the go. ये सिस्टम होगा कि अगर breathing पे क्लिक करते हैं तो ये light up and down होता रहेगा ये। अगर आप static पे क्लिक करते हैं तो it will always glow one kind of light. यहाँ पे जाकर के आप कलरिंग सिस्टम पे क्लिक करके आप you can change the color. आप यहाँ पे अगर ब्लू टर्न करते हैं तो एज यू कैन सी, अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो यू माइट सी कि कैसे ग्रीन में हो रहा है ये। लैपटॉप कलर इज ऑल्सो चेंजिंग ग्रीन। इफ आई चूज ब्लू कलर हेयर, अगर ब्लू लेता हूँ तो इट इज टर्निंग ब्लू कलर हेयर। अगर मैं यहाँ पिंक लेता हूँ तो कीबोर्ड लाइट इज टर्निंग इन टू पिंक कलर। सो एवरी लाइक यू हैव द फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइटिंग सिस्टम ऑफ योर कीबोर्ड। यहाँ पे आप एलो पे क्लिक करते हैं तो इट विल टर्न द एलो कलर। सो काफी अच्छा फीचर है दैट गिव्स दिस कंप्यूटर अ वेरी डिस्टिंक्टिव एंड अ वेरी डिफरेंट लुक फ्रॉम द अदर लैपटॉप। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये लैपटॉप काफी अच्छा है। मैंने आपको इनबिल्ट फीचर भी हल्के फुल्के बता दिया। मैंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट पे मैंने लिंक दिया, वहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आप एक गेमर हैं या आप एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करने वाले हैं तो आई एम श्योर दैट दिस वीडियो मस्ट हैव गिवन द आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन दैट यू माइट हैव और बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। काफी अच्छा लगा होगा आई एम श्योर आपको। और इस लैपटॉप के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगेन लेट मी टेल यू द मॉडल नंबर विच इज ऑफ आसूस ब्रांड, आसूस रॉग स्ट्रिक्स G531GT जो कि इस लैपटॉप का मॉडल है। और ये इस तरह का बॉक्स में आता है जो कि आप फ्लिपकार्ट से और मार्केट से खरीद सकते हैं। इस वीडियो के बारे में और इस लैपटॉप के बारे में, हाउ डज इट परफॉर्म, इसमें गेम कैसे कैसे खेल सकते हैं, कौन कौन से हेवी गेम आप सपोर्ट होता है इस लैपटॉप में, अगर उसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे हुए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने फ्रेंड का यूट्यूब चैनल का लिंक डाला हुआ है, जहाँ पे आप क्लिक करके उसके सारे वीडियो चेक करके यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि किस तरह के गेम खेले जा सकते हैं और कैसा आपको मतलब एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस लैपटॉप के साथ। काफ़ी अच्छा लगेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी हिट करें ताकि इन फ्यूचर वेन एवर ही अपलोड्स हिज नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट ए नोटिफिकेशन। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें सो दैट कि कुछ भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो वेन एवर आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो यू गाइज विल गेट द नोटिफिकेशन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। प्लीज़ आप बेल आइकन हिट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोज हु आर अबाउट टू परचेज सम न्यू लैपटॉप फॉर गेमिंग पर्पज उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।